अपनी पहली बार मंसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स लेकर आया है। प्रीकास्ट टॉयलेट, प्रीकास्ट वॉन्डी बॉल, इंटरलॉकिंग टाइल्स, चिकाल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, फैब्रिकेटेड स्टील डोर एवं विंडो। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन, जिससे हम तैयार कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की टाइल्स। आप अपनी फैक्ट्री, घर, आंगन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपने सपनों का घर, तो एक बार जरूर आएं। हमारा पता है मंसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स, रामपुर मोदनकटी अरेरिया 0 माइल से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर, NH 57 से पूरब। मुंबई की माया नगरी में जलवा बिखेरने वाले रीनू की धरती के पुत्र रोहित अपने गांव भरगामा में होली त्योहार को उल्लास के साथ मना रहे थे। भरगामा स्थित गांव में वे अपने अन्य कलाकार साथियों के साथ होली की उमंग में डूबे दिखे। पूर्णिया, कटिहार आदि इलाकों से वे अपने साथियों के साथ होली मिलन समारोह में जमकर खेलके जोगीरा सारा रना गा कर वे सब एक दूसरे को गले मिलकर होली की बधाई दी और अबीर गुलाल लगाया। मैं जब गांव आए तो काफ़ी अच्छा लगा। बहुत दिन के बाद मैं गांव आया और जैसे ही गांव आया तो सबों से मिला, बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं अपने फ्रेंड लोग से मिलने पूर्णिया भी गया, अररिया में भी कुछ फ्रेंड थे। मैंने जैसे ही आया मैं ये माइंड अपना करके आया था कि मैं जाऊंगा तो सबसे मिलूंगा, और मिला सबसे, बहुत अच्छा लगा। कौन कौन सा सीरियल में काम किया अब तक? ये सबसे पहले मैं यहाँ से गया तो चंद्रगुप्त मौर्या में काम किया था सोनी टीवी पे, और उसके बाद फिर राधा कृष्णा में भी मेरा कुछ रोल था, और फिर झांसी की रानी था जो कलर्स टीवी पे आती है, फिर केसरी नंदन जो भी कलर्स टीवी पे आती है, और दो कलर्स कन्नर है जो महाकाली कन्नर है और सनी कन्नर है, वो कलर्स कन्नर टीवी पे आती है। एक छिछोरे मूवी भी मैंने किया, 10 दिन का प्रोजेक्ट था, मैंने वो भी किया। क्या नाम हुआ आपका? रोहित श्रीवास्तव। टीवी पर देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत खुशी महसूस हुआ तो होता है, जो वहाँ गया वहाँ तक पहुँचा मेरा बेटा, भगवान का कृपा है और सबका दुआ है, हमारा आशीर्वाद है जो मेरा बेटा वहाँ पहुँचा, अच्छा से सीरियल बनाए, फिल्म बनाए और आगे बढ़े, यही दुआ है हमसे। क्या नाम बोलते हैं? रेखा देवी। आ रहा है हमको, बहुत खुश हैं हम कि मेरा बेटा इस मकाम तक पहुँच गया है। आज गांव से लोग आए हैं, हाँ, बधाई देने के लिए। हाँ, ये भी बहुत खुशी की बात है। काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आए मिलने के लिए कैसा महसूस हो रहा है और क्या अनुभव है उसके साथ आपका? रोहित जब आया था मुंबई से तो फेसबुक पे पोस्ट मुझे मिल गया था तो मैं बहुत खुश हुआ था, और मैंने बोला कि अभी भी तुम आए हो, होली का माहौल है तो एक फटाफट एक वीडियो शूट करते हैं। अभी पूर्णिया में आया, और इससे पहले भी पिछले साल का भी वीडियो में रोहित आ चुका था, हमारे बहुत सारे वीडियोस में आ चुका था जो हम लोग बनाते रहते हैं पूर्णिया में लगातार, पूर्णिया अररिया में लगभग लगातार बनाते रहते हैं, शॉर्ट फिल्म भी बनाते रहते हैं। तो आया तो हम लोग फटाफट होली का प्रोजेक्ट किए और जो है शूट किए वीडियो, और वीडियो कल परसों से पहले रिलीज भी हो चुकी वीडियो। और रोहित आया तो बहुत अच्छा लगा, जब उसको फर्स्ट बार सीरियल में देखे तो हम दोनों में बातचीत लगता होती ही रहती थी तो बहुत अच्छा लगा। और मैंने बोला यार मुझे तो बहुत बड़ी वाली पार्टी चाहिए, क्योंकि ये छोटा मोटा ये रास्ता नहीं है, ये सफ़र अक्सर लोग पूरा लाइफ बिता देते हैं सफ़र तय करने में, मगर तुमने इतने कम समय में ये सफ़र तय किया, और ये मुझे अब हमेशा बोलते रहने, मैं जो हूँ ये यहाँ से ये सफ़र स्टार्ट किया था, ऐसी कोई बात नहीं, सफ़र लोग अपने यहाँ से स्टार्ट करता है और एंड तो का कोई ठीक नहीं है। और अगर रोहित का वीडियो अगर आप होली वाला जो पूर्णिया में शूट हुआ है वो अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, मयंक रोनी के चैनल पे, और रोहित का मस्ती वाला वीडियो देखिए, जो कि आप देख करके ऐसा लगेगा कि सच में वो ऐसा एक्टर है जो कि मतलब हीरो को जैसे तराशा जाता है वैसा है। थैंक यू सो मच। मैं मयंक रोनी, पूर्णिया। रोहित का बचपन का दोस्त, हम लोग साथ में पढ़े हैं, आज बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहले देखते थे कि टीवी पे कोई आ रहा है तो हम लोग सोचते थे कि यहाँ तक जाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन आज रोहित एक गाँव से जा करके हम लोग का ये भरगामा का रोहित, हम सब का रोहित आज इसे का मतलब नाम ऊंचा कर रहा है, हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। इसमें एक्टिंग का जो शुरू से ही था, बचपन से ही, जब ठाकुरगंज में ये जॉब करता था ना तो एक्टिंग के लेके वहाँ से छुट्टी लेकर के
पूरा भर दिन पूर्णिया में शूटिंग करता था, हम लोग के साथ में पूरा शूटिंग करता था, और उसके बाद ये फिर शाम में जाता था ठाकुरगंज। ये बहुत ही मतलब हम लोग का प्राउड फील कर रहे हैं यहाँ के सारे ग्रामवासी, और यही काम हम चाहेंगे कि ये सब दिन आगे बढ़े। रोहित से दोबारा मिलकर जब मुंबई से लौटा तो कैसा महसूस हो रहा है? फीलिंग एक्साइटेड। रोहित से मिलने के लिए हम सभी दोस्त बहुत एक्साइटेड थे। बराबर अक्सर मैं रोहित को फ़ोन करता था और पूछता था कि यार कब आ रहा है, जल्दी आ। और इसी बीच रोहित से मेरी बात हुई और रोहित ने मुझे कहा कि यार मैं होली की छुट्टी पे आ रहा हूँ, तो कुछ यार होली को लेके प्लान कर। तो मैंने उसको बोला कि चल यार हम लोग एक न्यू वीडियो बना रहे हैं, तो आ इसमें फिर से वही मस्ती करेंगे। और हम लोग आज काफ़ी खुश हैं, ताकि रोहित हम लोग के बीच है अभी, और बहुत अच्छा फील करते हैं रोहित को लेके। और हमेशा यही चाहेंगे कि रोहित और भी ज़्यादा आगे बढ़े, क्योंकि रोहित आगे बढ़ा है तो हम लोग को कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं यार हम भी उस मुकाम तक पहुंच गए। वैसे तो हम सभी का, हम जितने भी फ्रेंड्स अभी यहाँ खड़े हैं, वो सभी का एक सपना है कि मुंबई जाए और अच्छा एक्ट करे, अच्छा एक्टर बने। और रोहित सडनली गया, ये बहुत सरप्राइजिंग था कि इतना कम टाइम में अक्सर लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, लेकिन रोहित काफ़ी कम टाइम में पहुँचा, अपने टैलेंट के दम पर पहुँचा। और भगवान से हमेशा यही चाहूँगा कि ये आगे बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, और कभी रुके ना, बस बढ़ता ही जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राज श्रीवास्तव है। हमेशा है, क्या लग रहा है और क्या करना चाहिए? इनसे एक साल पहले मिले थे, जब भी होली के शूट पे मिले थे, तो बहुत ही अच्छा लगा था। और जो ये हुआ, ये सरप्राइज़ था हमारे लिए, और हम सब इनको फेसबुक से जान रहे थे कि ये मुंबई गए और फिर बहुत कुछ करके आए। तो सच हर्टली चाहते हैं हम लोग कि ये और भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करें वहाँ पर जाके। और बहुत क्या नाम हुआ? सिंपी। अगर आप अपने घर, आंगन, किचन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपने सपनों का घर, तो एक बार जरूर आएं। आज ही शहर में पहली बार हैजा सीमेंट आर्टिकल्स लेकर आया है इंटरलॉकिंग टाइल, प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल और चेकाल टाइल। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन जिससे तैयार कर रही है विभिन्न प्रकार की टाइल। हमारा पता है हैजा सीमेंट आर्टिकल, टोल टैक्स से 4 किलोमीटर की दूरी पर, फॉरवेस्ट रोड, डोरिया, सोनापुर, अररिया। आ गया है महालक्ष्मी ज्वेलर्स, जिसका पता है 8B चौक, अररिया जिला का पहला हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जिसका नाम है महालक्ष्मी ज्वेलर्स। प्रिय ग्राहक, आपका प्यार और आशीर्वाद से महालक्ष्मी ज्वेलर्स निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको दूसरे शहरों में जाकर जीवर खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सोच है कि हम अपने शहर को बनाएं बेहतर। इसलिए हम लाए हैं भारत की सर्वोत्तम ब्रांड, वर्ल्ड क्लास डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स। अपने मनपसंद डिजाइन एवं ऑनलाइन प्राइस देखें और प्राप्त करें हमारे शोरूम से ऑनलाइन प्राइस पर, क्योंकि हम लाए हैं ब्लू स्टोन डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स।